देख सकते हैं इतना इतना सारा भीड़ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने इस तरह का आपको दिख रहा होगा, कुंज दिख रहा होगा, एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल में झालदा में स्थित एक छोटे से गांव में बिरुडी जो डारपा के नाम से जाना जाता है, यहां पर 73वां महायज्ञ का आयोजन किया गया है जो कि अपर युग में पहली बार हुआ था जिसमें कृष्ण का अंतिम काल हुआ था, उसके बाद से शुरू हुआ था कलयुग और कलयुग में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये 73वां कुंज पहली बार हुआ है। तो आप लोग को इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर क्या क्या आयोजन किया गया और 73वां जो है कुंज लगा हुआ सभी के दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको प्रत्येक कुंज लोग को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। छोटे के हेलो बड़े के नमस्कार, हाय हेलो नमस्ते, क्या मनोज क्या हाल सत श्रीकाल। तो इसी बोलो स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम साहब, आप देख रहे हैं ब्लॉगर बबलू और देख सकते हैं वीडियो को कंटिन्यू बनाए रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बने वाला। देख सकते हैं काफ़ी सारा भीड़ है इधर और हम लोग अभी चल रहे हैं आगे और 73वां जो कुंज बना है 73 सभी कुंज को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू बनाए रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला। देख सकते हैं ये भी एक तरह का महाकुंज है और देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ काफ़ी लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं और इधर देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है जैसे अंदाजा कर सकते हैं। और यहाँ जो 73वां जो कुंज है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा छोटे छोटे कुंज इस तरह का, इस टाइप का आपको 73 कुंज बना हुआ है क्योंकि यार ये जो अब देख रहे हैं जो द्वापर काल का जो जब जिस समय का था उस समय ये महायज्ञ हुआ था और ये वही कलयुग में फर्स्ट टाइम हुआ है और वो भी ये जगह बिरुडी में हुआ है। तब लोग देख सकते हैं इस तरह का नज़ारा, आप लोग इस तरह का 73 कुंज बना है, तब लोग सभी 73 कुंज दिखाने वाला। काफ़ी लोग देख रहे हैं यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, काफ़ी लोग आप लोग भी यहाँ पर आएँ और परिक्रमा करें, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको आके यहाँ पर। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं बारी बारी से सभी कुंज की ओर जाने की कोशिश करता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ 73 कुंज है तो मैं सभी कुंज को कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोशिश नहीं कर सका तो इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, ठीक है। तो लोग वीडियो कंटिन्यू बनाना और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी लोग यहाँ पर हरि कीर्तन कर रहे हैं अभी और ये हमारे सामने है सुभद्रा कुंज है। तो सभी कुंज को देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर नज़ारा आप लोग जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुंज के बीच में मैं आ चुका हूँ जो चारों तरफ कुंज ही कुंज दिखाई दे रहे हैं और ये जो आपको बड़ा आपको झंडा दिखाई दे रहा होगा ये है मेन कुंज यहाँ का है। तो मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो 73 कुंज बना हुआ है तो सभी के अगर घूमना चाहेंगे तो लगभग ये आपको एक घंटा लगभग पड़ सकता है। और ये हमारे सामने देखते हैं ये है मेन महाकुंज जहाँ पर सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ एक्चुअली है। तो आप लोग नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ सामने जाके और कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ बैठे भी हैं और यहाँ परिक्रमा भी कर रहे हैं काफ़ी लोग। तो ये देख सकते हैं ये हमारे मैन कुंज है ये, तो इसी के सब कैटेगरी कुंड हम लोग यहाँ 73 कुंड है और ये इस तरह का नज़ारा आप लोग देखिए चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कुंज ही कुंज दिख रहा होगा आपको। तो आप लोग भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ होगा, कितना यहाँ पर भक्त लोग आए हुए हैं। तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ परिक्रमा करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, किसी को परिक्रमा की बारी कब आएगी नहीं आएगी, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर अपना टाइम को देख ले। सबसे बड़ी बात अच्छी बात है यहाँ पर यहाँ ठहरने के लिए काफ़ी लोग को अच्छी सुविधा भी की गई है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण भक्तों को तो धूप जैसे पड़ रही है उन लोग आराम से यहाँ पर इसलिए कर परिक्रमा जो कर रहे थक जा रहे हैं वहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं आप लोग। इस तरह का कुछ शेड बना हुआ है ऐसे करके तो काफ़ी भक्तगण घूम भी रहे हैं इधर जैसे आप लोग देख सकते हैं और इधर से अंदर की ओर जा रहे हैं परिक्रमा की ओर और इसी मैन मंदिर में जाके परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये झंडा है हमारे जय श्री राम का झंडा है, तो एक बार प्यार से बोल दो भाई जय श्री राम। इतना सभी बारी बारी से जा रहे हैं और परिक्रमा करने की कोशिश कर रहे हैं सभी सब सब सभी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे बाबा जी है सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए सभी इतने भीड़ हैं यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा भीड़ है इधर। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ भक्त लोगों की भीड़ लगी हुई है उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए और आप देख सकते हैं कि बाबा किस तरह से प्रसाद को दे रहे हैं और सारे भक्त लोग इस प्रसाद को हाथों हाथ दे रहे हैं। ये आप सामने में जो देख रहे हैं इस महाकुंज के
संस्थापक हैं, इन्हीं के द्वारा इस कुंज का आयोजन किया गया है और ये दंडी बाबा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ के। सकते हैं जो डोंडी बाबा है उनसे भेंट करने के लिए, उनसे प्रसाद ग्रहण करने के लिए इतने भीड़ लगी हुई है। आप लोग भी चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं यहाँ पर, डोंडी बाबा का दर्शन कर सकते हैं। उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डोंडी बाबा के, तो आप लोग अच्छा दर्शन कर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ढोंडी बाबा को अभी किसे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इसी तरह से सभी आप लोग दर्शन करना चाहते हैं आप लोग, तो मैं ढोंडी बाबा का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को उनसे मिलाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे देख सकते हैं ये हमारे सामने सभी तरह के कुंज स्थित है। चले हम और कुंज की ओर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। शाहरुख कबरा कुंज के सामने मैं स्थित हूँ अभी। ये देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ हर एक कुंड की ओर। तो चलिए आप लोग चलते हैं और भी कुंड की ओर, आप लोग दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं सामने इसी तरह कुंड बने हुए हैं, वो तो मैं घुमाने की कोशिश करता हूँ सभी कुंड को, जितना कवर करने की कोशिश करूँगा कवर करूँगा। और हमारे यहाँ पर ढोंडी जी बाबा हैं, वहाँ पर सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कभी काफ़ी लोग आ रहे हैं प्रसाद ग्रहण करके, तो मैं कोशिश कर रहे हैं। अब उनके चारों तरफ वो घेर लिया गया है और ये देखिए सामने इस तरह कुंज और भी बने हुए हैं। तो इस तरह कुंज देख सकते हैं आप लोग, और भक्त लोग काफ़ी जुझारू हो रहे हैं मिलने के लिए उनसे। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं एक विशेष न्यूज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कुंज है ये 73 कुंज है और इस वीडियो में 73 कुंज का वीडियो बना पाना मुश्किल था, इसके लिए हम लोगों ने इसका पार्ट 2 बनाया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखकर इसका पार्ट 2 का व्यू का मजा लें और यहाँ का जो रात्रि व्यू है और यहाँ का जो मेला है उस चीज़ का भी आनंद उठाइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप इस ब्लॉग को देख पाइएगा, इस वीडियो को देख पाइएगा और यहाँ का प्रतिमा को समझ पाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत, बाय बाय।